हम लोग कुछ गुण देखते हैं जिससे आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो या कभी पैसा वाला रिच पर्सन कभी बन नहीं सकते हो, राइट? वन बाय वन देखते हैं. नंबर वन, आप पसंद, जो पैसा वाला है ना, रिच है पैसा वाला, उसको पसंद नहीं करते हो, नफरत करते हो, बोलते हो ये चोर है, कहीं ना कहीं ढका वाला रहेगा, ऐसा वैसा है ना, उनको नफरत करते हो ना, आप कभी पैसा वाला नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी से आप उसको पसंद नहीं करते हो ना. तो जब हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, उस तरह का व्यक्ति हम लोग कभी बन नहीं सकते हैं, ना बनेंगे हम लोग, राइट? नंबर वन. नंबर टू, डिफरेंट. आप समझते हो कि पैसा वाला जो भी रिच हुए हैं, ये कुछ स्पेशल है, इनके अंदर कुछ अलग क्वालिटी है, मेरे पास ऐसा है नहीं है, मैं वो सब नहीं जानता हूँ, खत्म. आप कभी भी चाहते हुए भी नहीं बन सकते, क्योंकि आप उनको अलग समझते हो, आप अपने आप को अलग समझते हो, चांस ही नहीं है होने का. थर्ड, सीखने का समय नहीं लेते हैं, राइट? कोई भी चीज़ सीखने का, पढ़ने का, कोई भी. अभी मेरा सिस्टम है, मैं देखूँ तो पिछले 20 साल के ऊपर मैं पर्सनालिटी, सक्सेस, ये मनी, इसके अलावा मैंने कुछ बुक्स पढ़ा नहीं है, ना कुछ वीडियोस, ऐसा वैसा मैं कहीं पे भी नहीं जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ मेरा पूरा ध्यान इधर ही रहता है, राइट? आप अपना काम में, आपकी जो ग्रोथ है, बिजनेस है, उसमें कितना समय देते हो और कितना सीखने की कोशिश करते हो. आप कहीं पे भी देखेंगे तो हाउ टू ऐसा करके वीडियोस में आप जाके देखेंगे, उसका व्यूज़ बहुत कम रहेगा. अभी कोई मुझे पूछता आपका वीडियोस इतना पॉपुलर क्यों नहीं है, कोई इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, क्यों? क्योंकि लोगों को सीखने के लिए कुछ है नहीं है, उनको सब एंटरटेन करना, मज़ा आना है, राइट? उसमें उनको अच्छा जो लगता है वो बहुत अच्छा लगता है, राइट? और सीखने का किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है. आप अपने लास्ट 20 वीडियोस देखिए जो यूट्यूब में आपने क्या देखा, राइट? और देखिए आपने कितना स्टडीज़ के बारे में, अपना तरक्की के बारे में कितना पढ़ा और कितना एंटरटेनमेंट देखा, राइट? बहुत सारे मिमिक्री है, बहुत सारे वीडियोस है जो जिस मज़ा आता है, बहुत गाना, ये सब गाना देखिए आप क्या करोगे ज़िंदगी में, राइट? आपकी डेवलपमेंट क्या होगा? मज़ा आएगा, शांत होगा, मस्त होगा, देन क्या, राइट? सो सीखने के लिए समय देना, अगर नहीं देते हो भूल जाओ, ओके? रिच पर्सन ऐसा होने का सब चीज़ आप भूल जाओ. सेकेंड, लोग अपने आप को बहुत गिल्टी फील करते हैं, नो मैं बहुत गलत हूँ, मेरे से होगा नहीं, मुझे बहुत अपसेट हो गया, मैं ये है, मुझे बहुत बुरा लगता है, यू नो, ये सब चीज़ आप अपने आप को बहुत सैड फील करते हो, यू नो, हर चीज़ के लिए मैं, मुझे से नहीं होगा, इस तरह का गिल्टी फीलिंग होता है, अपसेट हो जाते हो. ऐसा है तो फिर आप भूल जाओ, क्योंकि एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, वैसा नहीं है तो आप कभी नहीं बन सकते हो. लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो कॉम्प्लिकेटेड मैं क्लियर करता हूँ. नंबर वन एक है, लोग क्या बोलेंगे, राइट? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस किया है, इसकी वजह से भी आप कभी अमीर नहीं बन सकते हो. उसकी सेकेंड पॉइंट डिटेल वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें जो लोग प्रमोशन दे सकते हैं, जो हमें इनकम दे सकते हैं, जो हमारा लाइफ बढ़ा सकते हैं, जो हमें बिजनेस दे सकते हैं, वो क्या समझते हैं, उस चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं, उस चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, राइट? वो नहीं होना है, क्योंकि आपके बारे में वो क्या समझते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी मेरे वीडियोस देखते हैं इंटरनेशनली, यू नो, मलेशिया, सिंगापुर, जर्मनी, ये सब जगह से मुझे कॉल करके पूछते हैं कि आपकी वीडियो मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे कोचिंग करिए, मेरा बिजनेस के हेल्प करिए, ये सब होता है. मुझे जो बिजनेस देगा, मेरी लाइफ को जो आगे बढ़ेगा, राइट, मैं उसका कौन, वो क्या समझते हैं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बाकी लोग क्या समझते हैं, मेरे बाकी कंपटीटर्स, मेरे लोग, वो क्या समझते हैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन मेरे जो क्लाइंट है, मैं जिनकी ज़िंदगी चेंज कर सकता हूँ, मैं जिनकी बिजनेस बढ़ा सकता हूँ, क्या वो मेरे लिए क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे आपकी लाइफ में आप जो काम करते हो, आपकी जो क्लाइंट्स है, आपकी जो लाइफ है, वो क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. तो अगर लोग क्या कहें या डर के आप सुध जाते हो, तभी भी आप नहीं बढ़ सकते हो. आपके लाइफ चेंज कर सकते हैं, वो लोग क्या समझते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसको नज़रअंदाज करते हो आप, इसके बारे में आप छोड़ देते हो, उसको फोकस नहीं करते उसके ऊपर, देन ऑल्सो यू कैनॉट बिकम रिच. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? ये दो है. लास्ट में पेरेंट्स, मम्मी पापा, रिलेटिव, भगवान मान के वो जो बोलते हैं उसी के रास्ते पे चले जाते हैं.
देखिए जनरेशन चेंज होते रहता है और सच में आपके पेरेंट्स बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ही बड़ा व्यापार उसको फॉलो करते हैं, फाइन, लेकिन जनरेशन चेंज होता रहता है। इसकी वजह से भी कई कई लोग पैसा वाला नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनको पापा से थोड़ा ऊपर आ गया तो लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, या फिर पप्पा मम्मी को कभी भूलना नहीं, उनको जिंदगी भर रखे देखना, उसके लिए वो उसमें मैं कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हूँ, राइट। लेकिन उनकी जो सोच विचार है, उनकी जो भी है, उस हिसाब से हमें सोच हम चलते हैं, कहीं पे हम लोग अटक जाते हैं, वो चीज़ में मैं आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट। ये वाला हो गया। दूसरी लेक होता है कि एक्सपर्ट होते हैं किसमें, एक्सक्यूज देने में, हर चीज़ में एक्सक्यूज है ना, आज दिन ठीक नहीं है, आज IPL मैच है, या फिर यू नो धूप बहुत है, यू नो ये नहीं है, गाड़ी वो नहीं है, वो नहीं है, अच्छा दिन नहीं है, ये मुहूर्त है, ये महीने में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, वो महीने में नहीं करते हैं, बोलते 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 एक्सक्यूज एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो भूल जाओ आप कभी पैसा बना नहीं, राइट, कभी नहीं बन पाओगे आप। लास्ट आपकी एटीट्यूड, जिंदगी में हर चीज़ आपके साथ जो होता है उसको आप कैसे उसको एटीट्यूड देखते हो, अच्छा बुरा कैसे देखते हो, वो आपका डिपेंड होगा, राइट। जैसे यू कैन विन बुक में बताया है कि ना, दो बेटा, एक बेटा दारू पी के हालत जिंदगी ख़राब कर दिया, दूसरा बेटा सीखा, राइट, और आगे बढ़ा, बहुत बड़ा आदमी बन गया। पूछा तो बोलता है कि मेरा पापा दारू पीता था, वो पूरा जिंदगी बिगाड़ दिया, तो मैं कैसे अच्छा आदमी बन सकता हूँ, राइट। ऐसा उसका एटीट्यूड था, वो सोचने का तरीका ऐसा था। दूसरा लड़का, मेरे पापा ऐसा हुआ लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे अच्छा करना है, मेरे पापा जैसे मुझे नहीं रहना है, ऐसा समझ के उन्होंने किया। एटीट्यूड, जिंदगी आपके साथ जो करता है उसको आप कैसे उसको व्यवहार करते हो, उससे आपकी ज़िंदगी बढ़ेगा, उससे आपका लाइफ बढ़ेगा, राइट। ये एटीट्यूड आप चेक करते हो, ये कुछ पॉइंट्स है आप याद रखिएगा। अगर इसमें से कहीं से भी आप है, आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ध्यान रखिए एंड मीट यू सून, राइट, थैंक यू।